you. नमस्कार अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी हमारे देश में मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है यह अधिकार हमें हमारे संविधान द्वारा दिया गया है मतदान के माध्यम से हम अपने देश के प्रतिनिधियों यानी सांसदों विधायकों आदि का चुनाव करते हैं ये प्रतिनिधि हमारी सरकार बनाते हैं तथा हमारे देश का शासन चलाते हैं इसलिए महत्वपूर्ण तो है कि हम अपने मताधिकार यानी वोट के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें तथा अपने देश के निर्माण में अपना योगदान दें लेकिन इसके लिए हर जागरूक मतदाता को यह पता होना चाहिए कि, कि किसी भी मतदान केंद्र में मतदान की प्रक्रिया क्या होती है तथा इसको पूरा करने के लिए कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार होते हैं पिछली बार हमने आपको विस्तार से बताया था कि मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम एवं मतदान अधिकारी द्वितीय कौन होते हैं तथा तो उनके कार्य क्या होते हैं अब आज हम आपको उसी कड़ी में मतदान केंद्र के ही एक और महत्वपूर्ण अधिकारी मतदान अधिकारी तृतीय के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि मतदान अधिकारी तृतीय यानी तीसरा मतदान अधिकारी कौन होता है आपको बता दें कि देश में चुनाव की पूरी प्रक्रिया में मतदान का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है इस दिन जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चयन करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करती है इन मतदान केंद्रों को लेकर निर्णय आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधिकारी करते हैं जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं यह मतदान केंद्र मतदाताओं के लिए सुबह सात बजे खोल दिए जाते हैं मतदान सुबह सात बजे से शाम छः बजे तक चलता है जब कोई मतदाता मतदान के लिए अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो उसके दाई तरफ एक पीठासीन अधिकारी बैठा होता है जबकि सामने की ओर कतार से तीन मतदान अधिकारी बैठे होते हैं जिनमें पहला मतदान अधिकारी प्रथम दूसरा मतदान अधिकारी द्वितीय तथा तीसरा मतदान अधिकारी तृतीय होता है इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र में पीछे की ओर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के एजेंट यानी अभिकर्ता उपस्थित रहते हैं जब कोई मतदाता किसी मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो उसकी भेंट सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम फिर दूसरे नंबर पर मतदान अधिकारी द्वितीय तीसरे नंबर पर मतदान अधिकारी तृतीय से होती है मतदान अधिकारी तृतीय को अंग्रेजी में पोलिंग ऑफिसर थर्ड कहा जाता है जब मतदाता मतदान अधिकारी तृतीय के पास पहुंचता है तो वह मतदाता से मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची को लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेता है तथा मतदाता की बाईं तर्जनी उंगली पर लगी अमित स्याही के चिन्ह की जांच करता है आपको बता दें कि नियंत्रण यूनिट एवं मतदाता पर्ची के बारे में मतदान अधिकारी तृती द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होता है क्योंकि वह मतदान अधिकारी तृती नियंत्रण यूनिट एवं मतदाता पर्ची का प्रभारी होता है वह मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है तथा मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करता है मतदान अधिकारी तृतीय को पारिश्रमिक यानी मेहनताना के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दैनिक यात्रा भत्ता पांच सौ रुपए दिया जाता है अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी तृतीय के कार्य क्या होते हैं मतदान केंद्र का मतदान अधिकारी तृतीय सबसे पहले अपने बगल में बैठे मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची को मतदाता से लेकर अपने पास सुरक्षित रखता है तथा मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले मतदाता की बाई तर्जनी पर लगी अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करता है इसके बाद नियंत्रण यूनिट की मतदान मशीन की बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करता है और फिर द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान पर्ची के आधार पर उस पर्ची में प्रदर्शित क्रम संख्या के अनुसार मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देता है तथा मतदान के समय मतदाता की गतिविधि पर नजर बनाए रखता है जब मतदाता मतदान कक्ष में जाकर मतदान करने के लिए बैलेट बटन दबाता है तो मतदान अधिकारी तृतीय मतदान कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ आने तक मतदाता को मतदान कक्ष में ही रुकने का के लिए कहता है क्योंकि जब तक कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ नहीं आ जाती है तथा कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप बुझ नहीं जाता है तब तक माना जाता है कि मतदान नहीं हुआ है इसके पश्चात मतदान अधिकारी तृतीय मतदाता को मतदान कक्ष से बाहर जाने के लिए कहता है जब मतदान समाप्त हो जाता है तो उसके बाद मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट में पड़े कुल मत यानी वोट को दिखाता है तथा तो मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को उसकी जानकारी देता है जहां तक मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी तृतीय की नियुक्ति का प्रश्न है तो मतदान अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय की तरह ही इस पद के लिए भी चुनाव आयोग की ओर से किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है बल्कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिले के कर्मचारियों शिक्षकों अधिकारियों में से जिन्हें वह आवश्यक समझता है उन्हें मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो यद्यपि यदि मतदान अधिकारी तृतीय मतदान केंद्र से अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उस व्यक्ति के अलावा मतदान केंद्र पर उपस्थित है मुझे आशा है कि मतदान केंद्र के मतदान अधिकारी तृतीय के विषय में अब तक दी गई जानकारी से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा जहां तक मतदान अधिकारी तृतीय की भूमिका का प्रश्न है तो इनकी भूमिका काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण होती है जिसका ये बड़ी कुशलता से निर्वाह भी करते हैं यद्यपि इनको इस कार्य के बदले में चुनाव आयोग की ओर से पारिश्रमिक के रूप में पैसे यानी भत्ते दिए जाते हैं हालांकि यदि आपको मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी तिथि के कारण मतदान करने में कोई समस्या होती है तो आप मतदान केंद्र में उपस्थित पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से मामले की शिकायत कर सकते हैं अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें आज बस इतना ही धन्यवाद